हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में आपसे बात करेंगे। ओके, सिलेबस एज पर कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। इंग्लिश लिटरेचर एज पर सिलेबस डेवलपमेंट गाइडलाइंस फॉर फर्स्ट थ्री ईयर्स ऑफ हायर एजुकेशन, यानी इसे बोलते हैं यूजी, टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सेशन 2021 एंड 2022। यहाँ पर हम पूरे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस एज पर कॉमन मिनिमम सिलेबस कोर्स स्ट्रक्चर फॉर बीए मेजर इंग्लिश लिटरेचर। सेमेस्टर वाइज टाइटल्स ऑफ द पेपर्स इन यूजी इंग्लिश कोर्स ईयर, यानी फर्स्ट ईयर कोर्स कोड है इंग्लिश में 101। इसमें आपके सेमेस्टर फर्स्ट में टू पेपर होंगे, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल फर्स्ट, और सेकंड पेपर होगा इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल सेकंड। सेकंड आपका सेमेस्टर सेकंड में होंगे टू पेपर्स, इंग्लिश पोइट्री फर्स्ट और इंग्लिश पोइट्री सेकंड। आपके सेमेस्टर थर्ड में ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा फर्स्ट, और सेकंड पेपर है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा सेकंड। ऐसे ही ये आ गया आपका सेकंड ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके दो सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर टू। सेकंड ईयर में आपके सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर आएगा। सेमेस्टर फोर्थ में इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन फर्स्ट, इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन सेकंड, यानी दो पेपर होंगे इसमें। ऐसे ही थर्ड ईयर में देखिए सेमेस्टर फिफ्थ, इसमें है क्लासिकल लिटरेचर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट, क्लासिकल लिटरेचर इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेकंड, फिक्शन फर्स्ट एंड फिक्शन सेकंड। सेमेस्टर सिक्स में होगा इंडियन न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश फर्स्ट, इंडियन न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश सेकंड, लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज और मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ओके, फिर आपका वाइवा वाइस, यानी आपका वाइवा होगा थर्ड ईयर में। फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, वो हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम सेमेस्टर सेकंड का सिलेबस देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर का। इसमें पेपर फर्स्ट में देखेंगे इंग्लिश पोइट्री फर्स्ट, पेपर का नाम है इंग्लिश पोइट्री फर्स्ट। ओके, इसमें आपकी फोर यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, द सोनेट, द एलिजी, ओड, इपिक, वैलिड लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग और एलिग्री। यूनिट सेकंड में आएंगे आपके स्टैंजा फॉर्म्स, द हीरोइक कॉपलेट, ब्लैंक वर्ड्स, स्पेंसेरियन स्टैंजा और ट्रेजरीमा। यूनिट थर्ड में देखेंगे विलियम शेक्सपियर की पोयम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, सोनेट नंबर ये 116 से ली गई है। जॉन मिल्टन की है फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसऑबिडेंस, जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मी, ये लाइंस ली गई हैं 1 to 26। जॉन डन की पोयम है प्रेजेंस इन अब्सेंस, अलेक्जेंडर पोप का है फ्रॉम एसे ऑन क्रिटिसिज्म, लिटिल लर्निंग अप्स टू एप्स, यानी ये इसकी लाइन जो है 15 to 32 है। यूनिट फोर्थ में देखेंगे हम थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड के, इसमें फर्स्ट से लेकर 19 स्टैंजा लिए गए हैं। द कर्फ्यू टोल्स नॉइसलेस टेनर ऑफ थिन वेज, विलियम ब्लैक की है लंदन, और विलियम वर्ड्सवर्थ का है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जॉन कीट्स की है ओड टू नाइटिंगेल। ये तो है आपका फर्स्ट पेपर, सेमेस्टर सेकंड का फर्स्ट पेपर। अब इसका हम सेकंड पेपर देखेंगे। फर्स्ट पेपर हमने आपको बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस है, सेकंड पेपर में देखेंगे क्या क्या सिलेबस है। इसका टाइटल है रीडिंग इन इंग्लिश पोइट्री, इसमें भी आपके फोर्थ यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में है पोइटिक डिवाइसेस, स्ट्रक्चर, टोन, थीम, रिदम, राइम स्कीम, काइंड्स ऑफ मीटर, फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी। ओके, यूनिट सेकंड में है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन की ये पोयम है यूलिसिस, मैथ्यू अर्नॉल्ड की डोवरवीच और रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट टचेस। यूनिट थर्ड में है आपके टीएस इलियट का है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक, डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखी है द सेकंड कमिंग, और फिलिप लार्किन ने चर्च गोइंग। यूनिट फोर्थ में देखेंगे रेटरिक प्रोसोडी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म,
इसमें है इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बर्न स्टैंजा फ्रॉम पोइट्री फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक, ये हो गया आपके सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट और सेकेंड पेपर का सिलेबस। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।